वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक बड़ी खबर। इस वक्त की आपको बता दें जो कि विशाखापट्टनम से आ रही है। यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। पॉलीमर कंपनी में हुए गैस रिसाव में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक प्लांट में फंसे सभी लोगों को निकाल लिया गया है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और कई गांव खाली करा लिए गए हैं। इधर दिल्ली में भी हादसे पर हड़कंप मचा हुआ है। आपको हम बता दें कि तड़के 3:15 के आसपास गैस रिसाव हुआ इस पॉलीमर फैक्ट्री में, जिसके बाद लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, कई लोगों को उल्टियां आने लगी, कई लोग बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद दुखद है और दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि एकाएक लोग जब गहरी नींद में थे, इस फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग, उन सबको अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जब तक वो जाग पाए कई लोग बेहोश जहां तहां पड़े मिले हैं। ये देखिए, 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से भगदड़ की स्थिति मच गई। जैसे ही सूचना मिली वहां के प्रशासन को, फौरन वो हरकत में आई, एम्बुलेंसेस मंगाए गए, आसपास के 5 गांव को फौरन खाली करा दिया गया है। लेकिन इस बीच महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग, तमाम लोग ऐसे हैं जो कि बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है लगभग 100 लोगों से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 लोगों को एहतियातन खाली करा दिया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति क्या है इस बारे में भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी थी और शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि गैस रिसाव की वजह से, दो सूत्रों के हवाले से दो खबर आ रही है। पहली खबर ये आ रही है कि लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ पर काम चल रहा था, जिस बीच ये गैस रिसाव हुआ है। दूसरी खबर ये आ रही है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो छूट दी गई थी कि कुछ फैक्ट्री शुरू हो सकती है 30% कामगारों के साथ, उसी दौरान शुरुआत हुई थी यहाँ काम की, तो रीस्टार्ट करने के प्रोसेस में ये घटना घटी है। लॉकडाउन के दौरान जबकि रीस्टार्ट करने के दौरान, ये प्रोसेस के दौरान ये घटना घटी है, गैस लीक हुई है। अब दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर में दो बच्चियां एक दूसरे को ढांढस बना रही है, सहारा दे रही है, क्योंकि एक को तकलीफ हो रही है सांस लेने में, दूसरी किसी तरह से उसे संभाल रही है अपनी दोस्त को। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये देखिए तस्वीरें जो कि बेहद इस वक्त मार्मिक है, दुखद है, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें विशाखापट्टनम में इस इलाके में। विशाखापट्टनम का जो की जो घटना है वो गैस लीक की घटना है और वो स्टायरीन गैस लीकेज की घटना है, जो कि एक प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए। ये एलजी पॉलीमर्स की जो फैक्ट्री थी वो लॉकडाउन के बाद खुली थी और लगता है कि उसी क्रम में, खोलने के क्रम में, रीस्टार्ट करने के क्रम में गैस लीकेज हुआ है। आसपास के जो गाँव हैं उसमें जो परिवार हैं वो अफेक्टेड हुए हैं और 2:30 बजे रात में उनको टॉक्सिक स्मेल्स आए और इस तरह की शिकायतें आईं। उन्होंने लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सर्विसेज को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई करीब 5:30 बजे सुबह और एनडीआरएफ आधे घंटे में पहुंच गई थी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इवैक्यूएशन में मदद किया। लगभग 1,000 से 1,500 लोग इवैक्यूएट हो गए हैं। मुझे बताया गया है कि 300 से 400 फैमिलीज इवैक्यूएट की गई हैं और अभी जो स्थिति है, 800 से 1000 लोग अस्पताल गए थे। ज़्यादातर लोगों को खांसी और इरिटेशन की प्रॉब्लम थी, कुछ लोग उसमें थोड़े से गंभीर हैं और उनको अटेंड किया जा रहा है। जो आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने 6 मौत की पुष्टि की है और आगे हम लोग सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं। और हादसे पर आंध्र प्रदेश के मंत्री गौतम रेड्डी से बात की हमारे संवाददाता आशीष पांडे ने। हमारे साथ आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं मेकापति गौतम रेड्डी। सर, ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में क्या जानकारी है, अभी क्या हालात हैं? राइट नाउ द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इज दैट वी ब्रॉट इन टू अंडर कंट्रोल। 97% ऑफ द कंपाउंड, द लिक्विड कंपोनेंट हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। सो जो है जस्ट वेरी लिटिल अमाउंट हैज गॉन एस्केप्ड इनटू द एयर and whatever the initial reports that have come to us is that it was not a prolonged exposure that took place. A lot of people are on the path of recovery and we are really praying to God that the containment has not taken place too much and the deaths, what we are officially today as of now, what we are standing at 8, it remains at 8 and we are hopeful that a lot of the people are on the progress to recovery. But there is also a long-term effort, you know, we need to understand
This is a carcinogenic compound. There's a carcinogenic in it. So we need to understand what kind of absorption has taken place in the bloodstreams. Long-term effects, are there going to be any long-term effects? And if there are long-term effects, the company and its management are liable to pay for whatever is to happen in the future. और कमलजीत संधू हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। कमलजीत, आपको क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में? देखिए, एक तो बहुत दुखद घटना है ये, और दोहरी मार पड़ी है विशाखापट्टनम में, एक तो क्योंकि कोविड के चलते है, और दूसरे अचानक से रात को 2:30 बजे जब ये गैस लीकेज हुई है, हमें बताया गया है ये स्टाइरीन गैस है जिसका एकदम इमीडिएट इंपैक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है, जिसके चलते जो सबसे ज्यादा इमीडिएट इंपैक्ट है वो उसी टाइम हो गया था। हमें पता चला है कि 5 मिनट के अंदर अंदर जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा सेवियर होता है, और उसमें हमें अभी तक बताया गया है कि 8 लोग मारे जा चुके हैं। जो पुष्टि है वो सरकार कर रही है, लेकिन केंद्र ने अभी जो एनडीएमए में प्रधानमंत्री खुद भी चेयर कर रहे हैं, उसमें गृह मंत्री भी हैं, एमओएस होम जी किशन रेड्डी भी हैं, एनडीएमए के कई सीनियर अफसर हैं उसमें मौजूद, एनडीआरएफ की टीम्स हमें पता है कि मौजूद थी, 5 से 7 टीम लगाई गई थी, क्योंकि ये कई गांव थे जहां पे ये गैस फैली है, इसके चलते काम काफी बढ़ गया, और हमें बताया गया 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और ज्यादातर लोग वो हैं जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यानी जो माइनर सिम्टम्स हैं उसमें आंखों में जलन है और सांस लेने में दिक्कत है, और जो बाकी सिवियर केसेस हैं उसमें वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ रही है। तो एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन हुआ, और जिस वजह से स्टेट को और एनडीआरएफ को उस टाइम इमिजिएटली एक्ट करना पड़ा। हमें बताया कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है, यानी 2:30 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक तकरीबन इस पे काफी काम हुआ है, और इसके बाद अब कोशिश की जा रही है कि एक पहले तो इन्वेस्टिगेशन हो कि किस तरह जैसे ये लीक हुई है, क्या ये लॉकडाउन का वायलेशन था या लॉकडाउन के चलते ये खोली गई थी, और गैस किस वजह से लीक हुई, इसमें एक इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। पर दूसरी बड़ी बात है, क्योंकि तादाद इतनी ज्यादा है और लोगों को डिस्प्लेस कराया गया है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी नॉर्म रखना है क्योंकि कोविड है। दूसरी तरफ ये है कि रिलीफ रेस्क्यू और इमिजिएट जो रिक्वायरमेंट है कि अस्पतालों में उतनी तादाद में जो लोग भर्ती की गए हैं उन सभी को इलाज समय पे मिले और वो ठीक हों, तो ये एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज है विशाखापट्टनम के सामने। और बिल्कुल कवलजीत, आपसे और हम जानकारी लेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विशाखापट्टनम की पॉलीमर कंपनी में गैस रिसाव की वजह से 8 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके हैं। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तड़के 2:30 से 3 बजे के आसपास गैस का रिसाव हुआ पॉलीमर कंपनी में, जिसके बाद लोगों को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत होने लगी, कई लोगों को उल्टियां आने लगी, कई लोगों को चक्कर आने लगे, उसके बाद मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी तुरंत एक्शन में आ गए हैं, और सरकार जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रही है, यहाँ के आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इस पूरे मामले में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को साफ तौर पर कहा है कि हर किसी की मदद के लिए, हर तरह की मदद के लिए वो तैयार है। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।